हेलो फ्रेंड्स, यूनिक नॉलेज सिटी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अपूर्व रावल, मैं हूं फाइनेंशियल एडवाइजर एंड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर वडोदरा गुजरात से। फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे कि कैसे हम प्रकृति से सीख सकते हैं कि किस तरह से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से मैं आपको दिखाने वाला हूं ये चीज कि कैसे आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं 100% सक्सेसफुली। सो फ्रेंड्स, मान लो कि आपको एक खुद का पेड़ उगाना है आम का, एंड उसमें से जो भी फ्रूट्स आम के आपको मिल रहे हैं वो आपको लाइफ टाइम खाते रहना है, तो आप किस तरह से अप्रोच रखेंगे? तो सबसे पहले तो एक गुठली जो है वो आपको जमीन में डालना होगा, और उसमें से धीरे धीरे पेड़ बनेगा। उसके लिए प्रोसेस रहेगा कि 3 से 5 साल तक आपको उसको कंटिन्यूअसली खातर पानी देना पड़ेगा, उसकी सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी ताकि भेड़ बकरिया उसको तोड़ के चली ना जाए। सो सिमिलरली एसआईपी में भी ऐसा ही है फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड में, कि आपको कुछ छोटा सा अमाउंट धीरे धीरे निवेश करने का चालू करना रहेगा। आप कैसे भी करके उसको 3 से 5 से 7 साल से 10 साल आप कंप्लीट कर लीजिए, तब तक वो एक बड़ा पेड़ बन जाएगा। बड़े पेड़ पे अब आम आना चालू हो जाएंगे। अभी सबसे अच्छी चीज जो सीखने वाली है एंड समझने वाली है, आम के पेड़ में से सिर्फ आप अगर आम ही तोड़ोगे तो वो हर साल पे नए आम आ जाएंगे। मान लो कि आप डालिया भी काटना शुरू कर देते हो तो डालिया उगने में 2 से 3 साल लगेंगे, लेकिन 15-20 सालों के बाद मान लो आपने पूरा आम का पेड़ ही काट दिया तो वहां के आप 0 के 0 आ जाएंगे, यानी वही पेड़ उगाने में आपको 15-20 साल लगेंगे। फ्रेंड्स, एसआईपी में भी बिल्कुल ऐसा ही है। एसआईपी में छोटे छोटे किस्तों में आप निवेश करते जाओ, एक बड़ा पेड़ यानी एक बड़ा मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिखने लगेगा। आपको पूरा विड्रॉल नहीं करना है, आपको उसको सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान SWP से, जैसे पेंशन प्लान होता है वैसे आपको उसको विड्रॉल करते जाना है। एंड दिस इज द कंप्लीट प्लान ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम एंड सक्सेस इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच।